वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित कुमार। दोस्तों आपके भाई लेके आ गए एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में अपनी किट रिव्यू करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सा सामान यूज़ करता हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें मैचेस में कैरी करता हूँ। मतलब आज तो मैं थोड़ा कम सामान लेके आऊँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ आज कैरी कर रहा हूँ। पहले तो मेरा दो नॉर्मल बैट जो मेरे ब्रांड ने स्पॉन्सर कर दिया वो, और एक मेरा कस्टमाइज बैट जो मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली हिटिंग के टाइम पर, ये वाला बैट। आप इसे ग्रेन देखो आके, ये वाला जो बैट है मैं नॉर्मली हीटिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ, और ये वाला बैट जो है थोड़ा लाइट वेट है, इसको मैं मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद मैं किट बैग में क्या कैरी करता हूँ, तो नॉर्मल एक प्रोटीन का डब्बा यूज़ करता हूँ। मैच के बाद एक स्कूप प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं एक स्कूप प्रोटीन लेता हूँ मैच के बाद नॉर्मली। फिर मेरे पैड्स जो मैं यूज़ करता हूँ, पैड्स आई थिंक सभी यूज़ करते होंगे, सभी लेके रखते होंगे बैट्समैन जो भी होते होंगे। फिर दो जोड़ी ग्लव्स यूज़ करता हूँ, दो जोड़ी इसलिए कि अगर लंबी इनिंग खेलते तो क्या होता है कि अभी इतनी गर्मी हो रही तो हमारे जो ग्लव्स होते हैं गीले हो आते हैं, तो दो जोड़ी ग्लव्स यूज़ करता हूँ। फिर जो इनर्स हैं वो दो जोड़ी रखता हूँ हमेशा, क्योंकि अंदर से जो हाथ होता है वो बैटिंग ज़्यादा करते करते गीले हो आते हैं, इसीलिए दो जोड़ी हमेशा इनर्स भी मैं अपने पास रखता हूँ। देन मैं कुछ बॉल्स रखता हूँ अपने पास, क्योंकि मैच से पहले मैं हमेशा थोड़ा बहुत नॉक करता हूँ, क्योंकि नॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है मैच के पहले। अगर मानो मैं किसी मैच में जल्दी आउट हो गया तो मैं उसके लिए भी रखता हूँ कि मैं उसके बाद अपनी कैसे अपने आप को, मतलब कि अपना जो दिन है उसको यूज़ कर सकूँ। देन उसके बाद जो ये वाला चेन है इसके अंदर मेरा आता है नॉर्मली हेलमेट, फिर गार्ड तो सभी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये हेडबैंड रखता हूँ कि जो मेरा हेलमेट है उसको मैं टाइट रख सकूँ, कैसे मतलब मेरा हेलमेट बिल्कुल भी ना हिले, एकदम स्टेबल रहता है इस चीज़ से, और एक अच्छी बॉल। तो फिलहाल ये मेरा किट बैग में अभी ये सामान है, बाकी मैं और भी चीज़ें कैरी करता हूँ। मैं एक्चुअली हर मैच में चार बैट लेके चलता हूँ, चार बैट इसलिए कि एक बैट रहता है मेरा नॉक करने वाला, कि मैं नॉक उस बैट से करूँ, जो भी मेरा नया बैट रहता है उसको मैं नॉक के लिए हमेशा रखता हूँ। और बाकी ज़रा इस वाले चेन में दिखा दूँगा मैं क्या क्या चीज़ रखता हूँ। ये मेरा सिपर इसलिए कि क्या कहते हैं वो जो मैं प्रोटीन लेके आ रहा हूँ उसके लिए, और बाकी ये मेरा अमीनोस का जो BC डबल है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो फिलहाल BC डबल अमीनोस का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रखा हुआ है। और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें, और इंग्लिश टेप हमेशा अपने साथ रखता हूँ कि बैट का अगर मानो कोई से भी एज वैज लग गया तो उस चीज़ के लिए इंग्लिश टेप हमेशा रखता हूँ। और बाकी ग्रिप्स रखता हूँ अपने पास हमेशा, और ग्रिपर रखता हूँ अपने पास। तो ये कुछ नॉर्मली चीज़ें हैं जो मैं आज के मैच में लेके आया हूँ, बाकी मैं और भी चीज़ें रखता हूँ। और हाँ सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना भूल गया, मैं स्पाइक्स भी लेके आया हूँ अपने, स्पाइक्स वाला जो बैग है उसमें स्पाइक्स भी मैंने रखे हैं। स्पाइक्स इसलिए कि जब भी मैं फील्डिंग करता हूँ तो उस चीज़ के लिए स्पाइक्स रखता हूँ, कि फील्डिंग के टाइम पे स्पाइक्स यूज़ करते हैं हमेशा, और बैटिंग के टाइम पे मैं नॉर्मली शूज़ मेरे इस कैरी बैग में रखा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ इस कैरी बैग में मैंने क्या क्या रखा है। तो इस कैरी बैग में मेरी कैप है, फिर उसके बाद कुछ वाइट्स हैं जो मैच के लिए हमेशा कैरी करता हूँ, फिर एक हमेशा रुमाल रखता ही रखता हूँ, और बाकी मेरा नॉर्मल शूज़। तो ये मैं अपने इस कैरी बैग के अंदर कैरी करता हूँ। बाकी जो मेरा किट बैग है, किट बैग के अंदर बहुत जगह, बट मेरी आदत हो गई कि कैरी बैग हमेशा कैरी करता ही रहता हूँ मैं कहीं पे भी जाता। तो ये मेरा नॉर्मल एक मेरा किट का रिव्यू था जो मैं अपने पास सामान रखता हूँ। बाकी तो मैं सामान और भी रखता हूँ अपने पास, बट आज मैं मैच में लेके नहीं आया, तो आपको मैं अगली वीडियो में और दिखाऊंगा कि मैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ नॉर्मली। बाकी आप ये सब चीज़ें हमेशा कैरी करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप मैच में हमेशा दो जोड़ी ग्लव्स हमेशा रखना, क्योंकि लंबी इनिंग चलेगी और अभी इतनी गर्मी हो रही है तो हमेशा दो जोड़ी ग्लव्स रखना ही रखना। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को मेरी कुछ भी कोई सी मेरी रीसेंट व्लॉग देखनी होगी तो जाओ जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक करो, मैंने बहुत सारी व्लॉग्स डाली हुई हैं, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना। और अगर किसी ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा तो मैंने जो मेरे प्रोफाइल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, और जो मेरा एक एडिटर है ऋषभ रावत, उसने मेरी वीडियो एडिट करी है, तो आप जाओ जाके उसको फॉलो करो, उसका भी जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट के कारण मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच। वाह वाह, अरे वाह, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।